पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी को लेकर आज गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है। वहीं सुरक्षा के चूक के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जाहिर की है। इस बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की और मामले को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। इस मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति जी ने मिलने बुलाया, उनकी चिंता के लिए उनका आभार है, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ जो हमेशा शक्ति का स्रोत होती हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए बाबा विश्वनाथ में आरती और पूजा की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में सेंध लोकतांत्रिक घटना है, देश में ऐसी असंवैधानिक घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चेन्नई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि मोदी देश के पीएम हैं, उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही होती है और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। हमारे ब्लड में तो अहिंसा की भावना है, आरएसएस और बीजेपी के ब्लड में हिंसा की भावना है, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब में पीएम सुरक्षा में हुई चूक मसले को लेकर प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि पीएम तो देश का पीएम होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। जो पंजाब में हुआ उसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय एजेंसियों का था और इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में सुरक्षा चूक के घटनाक्रम ने देश की सियासत को गर्मा रखा है, जहां बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार किए। आरोपों का जवाब देने मुख्यमंत्री गहलोत ने पीसीसी में प्रेस वार्ता की और पंजाब की चन्नी सरकार को सही बताया। गहलोत ने कहा कि पीएम का प्लेन उतरा था भटिंडा में, मौसम खराब होने के बाद अचानक सड़क मार्ग से जाने का प्लान बना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम सुरक्षा को लेकर एक्ट बदले थे, पीएम सिक्योरिटी ही रूट को तय करती है। पीसीसी में सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे वक्त में राजनीति करो ये ठीक नहीं है, कांग्रेस से भला कौन समझ सकता है पीएम के खतरे को, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए थे, कांग्रेस पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ डुडासरा ने कहा कि पीएम की रैली असफल हो गई थी, इसलिए सुरक्षा में चूक का मसला उठाया गया। बहरहाल गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को कांग्रेस का संदेश देने का काम किया है। तीन बार के रहे मुख्यमंत्री के नाते सीएम ने बताया कि जब भी पीएम राज्य में विजिट करता है तो क्या प्रोटोकॉल्स अपनाए जाते हैं। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर ICMR और एम्स के निदेशकों से चर्चा की, चुनावों को सुरक्षित संपन्न करवाने से जुड़े तमाम पहलुओं पर सुझाव लिए। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के ताजा हालातों के बारे में जहां केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी, उसके साथ ही ICMR के निदेशक बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ मुलाकात की, चुनावों को कैसे शांतिपूर्वक संपन्न करवाना है उस पर बातचीत की। चुनाव उस वक्त करवाने की तैयारी चल रही है जब देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग इन बैठकों के जरिए कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी जुटा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कोरोना को फैलाने में सुपर स्प्रेडर का ना काम करे। वहीं भारत की कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख VK पॉल ने चुनाव आयोग को बताया कि ताज़ा हालात में बड़ी चुनावी रैलियां और रोड शो करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने आयोग से कहा है कि इस तरह के चुनावी कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए। डॉक्टर पॉल नीति आयोग के सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद हाल ही के दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 90,000 से ज़्यादा देश में मामले सामने आए हैं और ऐसे में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट कोटा 2022 में हुई निवेश की बरसात, प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ की मौजूदगी में एक ही टेबल में एक ही मंच पर साइन हुए 2100 करोड़ के MOU। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रदेश की पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि तब की सरकार में रिसर्जेंट राजस्थान में जो MOU हुए थे उनका 5% निवेश भी धरातल पर नहीं उतर पाया था, लेकिन यहाँ जो भी MOU हो रहे हैं सभी धरातल पर भी उतरेंगे और केवल कोटा में ही हजारों रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।
इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने समिट में जमा हुए उद्यमियों को प्रदेश सरकार की उद्योग नीति की विस्तार से जानकारी दी और कई तरह की सहूलियतें और सुविधाएं गिनाते हुए कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा के निवेश पर तो हम मुंह मांगी रियायतें भी देने को तैयार है और राजस्थान के कोटा में तो बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ आइए और यहाँ पर निवेश कीजिए। समिट में प्रभारी मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कोचिंग सिटी कोटा के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले तो उद्योग मंत्रालय मेरे पास था और मुझे तब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कह दिया था कि कोटा में औद्योगिक उपयोग की रिको की जमीन पर जो कोचिंग हॉस्टल बने हैं उन्हें कभी नहीं छेड़ना है। हमने इन हॉस्टल्स को कभी नहीं छेड़ा और समय आने पर हम इनका नियमन भी कर देंगे। बीकानेर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आज रेलवे में तैनात सहायक कार्मिक अधिकारी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी रजनीश पुरिया ने जानकारी देते हुए बताया, डीजी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में शिकायत मिली थी कि किसी बिल के एवज में राशि मांगी जा रही है, जिस पर एसीबी टीम ने भौतिक सत्यापन कराया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं इधर एसपी योगेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपील की कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। साथ ही उन्होंने खासतौर पर एक बात कही कि सोशल मीडिया के जरिए कई इस तरह के मैसेज प्रचारित किए गए जिसके चलते दिक्कत हुई है। उन्होंने कहा कि हम अपील कर रहे हैं, खासतौर पर कुछ नाबालिग की फेसबुक वॉल्स पर भी इस तरह की जो हैं चीज़ें दिखाई दी हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे मुकदमे दर्ज हों, इसलिए हमारी गुजारिश है कि लोग इस चीज़ से बाहर जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि शहर में अमन शांति कायम रहे। पिछले दिनों युवक पर हुई फायरिंग के मामले में बीकानेर में बंद का आह्वान हुआ था और उस वक्त कई जगह दो गुट आमने सामने हुए थे, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। एसपी का कहना था कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि शहर में शांति का माहौल कायम रहे और इसके लिए सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत है। हम चेतावनी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ समझाइश के लिए भी हम कह रहे हैं कि इन चीज़ों से बाज आए, अन्यथा पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन सहित उसके घरों के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। शादी के दूसरे दिन जेवरात और पैसों को लेकर हो जाती थी फरार। पुलिस के हाथ लगी है गैंग, लड़कों के घर वालों से रुपए लेकर शादी कराती थी। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन गहने और रुपए लेकर फरार हो जाती थी। शहर की दही वाली गली में रहने वाले एक युवक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था कि 26 दिसंबर को उसकी शादी कोलकाता की रहने वाली एक युवती से हुई थी और शादी के लिए उससे 1,25,000 रुपये लिए गए थे, लेकिन वह एक दिन घर में रहने के बाद दूसरे दिन रुपये और गहने लेकर फरार हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि यह गैंग भोले वाले लोगों को फंसाकर लुटेरी दुल्हन को अपनी बहन या रिश्तेदार की बेटी बताकर रुपये लेकर शादी करवाते थे। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन घर से सारे पैसे लेकर गहने को लेकर फरार हो जाती थी। पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों से पुलिस के द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि कई और अन्य वारदातें भी खुलने की संभावना है। जैसलमेर के सांगर थाना के हेड कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में हेड कांस्टेबल चोर की जोरदार तरीके से पिटाई कर रहा है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। जैसलमेर में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस वाला एक युवक को बेरहमी से बेल्ट से पीट रहा है। उस वीडियो में दो युवक और भी हैं और यह भी युवक उसको पीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। हालांकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है, मगर पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रहा व्यक्ति सांगर थाने का हेड कांस्टेबल आसूराम बताया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसपी डॉक्टर अजय सिंह को जब इस मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने एसएचओ सांगर को वीडियो भेजकर पुष्टि कराई। इसके बाद आसूराम को लाइन हाजिर किया गया, उसके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीडियो में नजर आ रहा युवक पाली थाने के एनडीपीएस मामले का अपराधी रावताराम है। हेड कांस्टेबल आसूराम को 1 जनवरी को सूचना मिली थी कि कुछ युवक मुंबई से के गाड़ी किराए पर लेकर आए हैं और वे गाड़ी लगा जीपीएस हटाकर उसको चुरा कर भाग रहे हैं। पुलिस के अनुसार आसूराम ने उन्हें बताया कि नाकाबंदी को भाग रहे आरोपियों को लखमणा गांव के पास पकड़ा गया और पकड़ कर थाने लाया गया। उसके बाद दो साथी और भी थे, सबको 2 जनवरी को ही पाली पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं वीडियो में नजर आ रहे दो अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर दिखाने के बाद फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, जिसमें राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और नोटिस में उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार की घटना निश्चय ही मानवाधिकारों का खुला हनन है। इस मामले पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए उन्होंने जैसलमेर एसपी से मामले की अधिकारी से जांच करवाकर 7 दिन में आयोग के आगे रिपोर्ट पेश करने के
निर्देश दिए हैं। इससे पहले जैसलमेर एसपी डॉक्टर अजय सिंह ने हेड कांस्टेबल आसुराम को लाइन हाजिर करके मामले की जांच करवाने की बात कही थी। वायरल वीडियो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा, तो वहीं वायरल वीडियो की खबर दिखाने के बाद मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।